ये तुम्हारे पास बाइनरी इमेज है, ठीक है? तो अब तुम क्या करोगे, एक विंडो बनाओगे ऑफ 3x3 साइज, ठीक है? एंड वी विल फर्दर एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल विंडो साइज, लाइक ये 3x3 की विंडो है, हमें 5x5 के साथ भी करना है, ठीक है? तो फिर तो अपना जो कोड लिखोगे तुम, वो इस तरह से लिखना कि अगर तुम विंडो का साइज चेंज करो तो तुम्हारा कोड फिर उसके अकॉर्डिंग चलने लगे। ऑलराइट, सो अब अभी जो सबसे सिंपलेस्ट है विंडो साइज, लेट्स टेक 3x3। ओके, अब 3x3 में विंडो साइज का क्या मतलब है? तुमने इमेज को ग्रे में कन्वर्ट किया, ठीक है? ग्रे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इमेज में इस तरह की इंटेंसिटीज होती हैं ऑलमोस्ट, ओके? और ये तुम्हारी बाइनराइज्ड इमेज है। तो जब बाइनराइज्ड इमेज इस ग्रे से बनी, तो इसका मतलब क्या था? जो हाई इंटेंसिटी पिक्सल्स थे, यानी वो तुम्हारे फोरग्राउंड पिक्सल्स थे, और ये जो 23, 16, 12, सम स्मॉलर पिक्सल्स, ये छोटी छोटी नॉइस थी या बैकग्राउंड था, यानी वाइट पोर्शन इमेज का, राइट? तो ये जितना भी वन है, ये तुम्हारा फोरग्राउंड पिक्सल है, यानी तुम्हारा टेक्स्ट पिक्सल है, आइदर प्रिंटेड और आइदर हैंड रिटन, और बाकी जो भी तुम्हारा जीरो आया वो तुम्हारा क्या था? प्लेन व्हाइट डॉक्यूमेंट, ओके, व्हाइट पोर्शन। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन बाइनरी में हुआ। अब तुमने क्या करा, 3x3 की विंडो बनाई फॉर एवरी फोरग्राउंड पिक्सल, ओके, सिंस यू आर वर्किंग पिक्सल वाइज, ठीक है? आप कनेक्टेड कॉम्पोनेंट दूसरे ग्रुप के लिए छोड़ दो, बिकॉज दे हैव डन इट, आप लोग मत नहीं निकालो कनेक्टेड कंपोनेंट दूसरा ग्रुप, और यही तुम्हारे में डिफरेंस रहेगा उनके ग्रुप में भी और तुम्हारे ग्रुप में भी, ठीक है? दिस विल बी द डिफरेंस कि तुम्हारा पिक्सल वाइज था काम, तो तुम डायरेक्टली अब पिक्सल पे वर्क करो। सपोज दिस इज योर फोरग्राउंड पिक्सल, कैन यू सी, कैन यू सी, दिस इज योर फोरग्राउंड पिक्सल इन द स्क्वायर, दिस, राइट? तो 3x विंडो तुम्हारी इस तरह से बनी। लेट सपोज ऊपर इमेजिन कर लो इट इज जीरो, व्हाई? बिकॉज अगर इस पिक्सल के अराउंड हम 3x3 की विंडो बना रहे हैं तो ऊपर पिक्सल्स नहीं है, तो लेट्स सी कि वी हैव पैडेड जीरो हियर सपोज। ऑलराइट, तो अब ये जो वन पिक्सल है, दिस इज इट्स विंडो। नाउ आइडेंटिफाई ऑल द पिक्सल्स, राइट, हु आर वन हियर, दिस 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 एंड दिस, एंड वी हैव टू डू फॉर दिस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट फॉर दिस। पहले हम इस सेंट्रल पिक्सल के लिए निकालेंगे फॉर अ विंडो ऑफ 3x3, फिर हम इस पिक्सल के लिए वैल्यू निकालेंगे फॉर अ विंडो 3x3, फिर हम इस पिक्सल के लिए वैल्यू निकालेंगे फॉर अ विंडो 3x3। तो इस पिक्सल की विंडो कैसे बनेगी? यहां से ऐसे करके। फिर हम इस पिक्सल के लिए जाएंगे तो इसकी विंडो कैसे बनेगी? ऐसे ऐसे, ओके। फिर हम इस पिक्सल के लिए, सेंट्रल पिक्सल के लिए निकालेंगे तो इसकी विंडो कैसे बनेगी? ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो हर फोरग्राउंड पिक्सल को सेंट्रल पिक्सल बना के उसके चारों तरफ एक विंडो बना लो और फिर प्रोसेसिंग करो, ठीक है? अब प्रोसेसिंग कैसे करनी है, क्या करना है वो देखो। सपोज ये तुम्हारी विंडो बन गई है, तो दिस इज योर सेंट्रल पिक्सल, तो इस सेंट्रल पिक्सल को इमेज में मैप करो कहाँ है। ये आई जे के कॉम्पोनेंट है, तो ये तुम्हारा आई जे के पिक्सल है, दिस इज योर आई जे पिक्सल, राइट? आइडियली अगर देखा जाए, दिस इज योर 0,0, दिस इज योर, इफ यू आर स्टार्टिंग रो विद 0, इफ यू आर स्टार्टिंग रो विद 0, दिस इज 0,1, ओके, दिस इज 0,2, दिस इज 0,3, 0,4, राइट? सो दिस इज योर 0,1, सो वी विल सी द 0,1 हियर, इट इज दिस पिक्सल, सो नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यूज फॉर दिस, ओके? और कौन कौन से पिक्सल्स कंसिडर करोगे? देखो, फोरग्राउंड पिक्सल में यहाँ वन था विंडो में, यहाँ विंडो में वन है, यहाँ विंडो में वन है, तो यानी यू आर कंसिडरिंग दिस दिस एंड दिस पिक्सल, क्लियर? क्लियर? तो अब इन पिक्सल्स पे कैलकुलेशन लगाओगे फीचर्स निकालने के लिए। तो पहला फीचर जो तुम निकालोगे, वो निकालोगे तुम्हारी मीन इंटेंसिटी, ओके? सो आई एम अगेन रिपीटिंग, सेंट्रल पिक्सल, वी हैव रिप्रेजेंटेड सेंट्रल पिक्सल विद पी आई से हमने सेंट्रल पिक्सल रिप्रेजेंट किया है, ओके? और एनपी क्या है हमारा? नेबरहुड पिक्सल्स। तो अगर मेरा 3x3 का नेबरहुड है, तो टोटल मेरे नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे? 9। अब उस 9 टोटल पिक्सल्स में से कुछ वन होंगे, कुछ जीरो होंगे, ठीक? तो जो जो वन होंगे हम उन्हें कंसिडर करेंगे, लेकिन यहां पे एनपी की वैल्यू क्या रहेगी? 9, क्लियर? तो हमने पहले हम निकालेंगे मीन इंटेंसिटी, कि मीन इंटेंसिटी क्या है, यानी मीन ब्राइटनेस कितनी है। तो मीन ब्राइटनेस कितनी होगी? दिस पिक्सल प्लस दिस पिक्सल प्लस दिस पिक्सल प्लस दिस पिक्सल, ओनली रिमेंबर वी आर टेकिंग फोरग्राउंड पिक्सल, ऑलराइट?
ऑल राइट, सो दिस पिक्सल प्लस दिस पिक्सल प्लस दिस पिक्सल दिस पिक्सल ऑन दिस पर्टिकुलर विंडो. तो इन सब का जब तुम मीन लोगे तो वो क्या निकलेगी तुम्हारी, मीन इंटेंसिटी. क्लियर? तो ये तुम्हारा है एक फीचर वैल्यू. ऑल राइट, दूसरा फीचर क्या निकलेगा तुम्हारा, इंटेंसिटी वेरियंस. इंटेंसिटी वेरियंस का क्या मतलब होता है, ये जो है नॉर्म का फॉर्मूला है, नॉर्म स्क्वायर. ठीक है, तो नॉर्म स्क्वायर क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस टू ए बी. लाइक दिस यू हैव एन सॉरी अंडर रूट दिस एंड दिस प्रोडक्ट, राइट. तो ये नॉर्म का फॉर्मूला है, ओके, मैथमेटिक में. तो अब जेड पी क्या है तुम्हारा, जेड पी अगेन तुम्हारा पिक्सल है, सेंट्रल पिक्सल. सेंट्रल पिक्सल विंडो में जितने भी पिक्सल्स होंगे वो, और ये तुम्हारा है इंटेंसिटी जो तुमने कैलकुलेट की थी, यानी इस विंडो के लिए, इस सेंट्रल पिक्सल के लिए तुम क्या निकाल रहे हो, इंटेंसिटी वेरिएंस. इंटेंसिटी वेरिएंस में सबसे पहले तुम करोगे 129 माइनस जो भी तुम्हारी मीन इंटेंसिटी आई, ठीक है. फिर तुम करोगे प्लस 62 माइनस जो भी तुम्हारी मीन इंटेंसिटी आई, फिर प्लस 191 जो भी तुम्हारी मीन इंटेंसिटी आई, फिर प्लस 181 जो भी तुम्हारी मीन इंटेंसिटी आई, इन सब का सम कर दोगे, ठीक है. इसका फॉर्मूला लगा के, नॉर्म का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, इन सब की वैल्यूज को सम अप कर दोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पिक्सल्स. नंबर ऑफ पिक्सल विंडो में 9 है, राइट. तो वो क्या मिलेगी तुम्हारी, सेंट्रल पिक्सल पे इंटेंसिटी वेरिएंस. तो ये एक और वैल्यू मिलेगी तुम्हें उस पिक्सल पर, राइट. फिर दूसरी वैल्यू निकालोगे तुम स्मूथनेस. स्मूथनेस निकलेगी बाय यूजिंग इंटेंसिटी वेरिएंस. तो सेंट्रल पिक्सल के ऊपर जो इंटेंसिटी वेरिएंस आया है तुम्हारा, उस पे ये फॉर्मूला लगा के तुम थर्ड फीचर वैल्यू निकालोगे, ठीक है. अब फोर्थ फीचर वैल्यू जो है आपकी, ये दो है, एक एक्स डायरेक्शन में निकलेगी और एक वाई डायरेक्शन में निकलेगी फॉर सेंट्रल पिक्सल. तो लेट से अवर सेंट्रल पिक्सल इज दिस, सपोज अवर सेंट्रल पिक्सल इज दिस, तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे. पहला फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल पिक्सल माइनस ये नीचे वाला पिक्सल, ओके, सेंट्रल सेंट्रल पिक्सल से सब्ट्रैक्शन ये वाला, इस वाले पिक्सल का. और दूसरा वैल्यू क्या है तुम्हारा, इस पिक्सल से इसका. ऑल राइट, और इस विंडो में जितने भी पिक्सल पॉजिटिव हैं, मींस फोरग्राउंड है, वन है, उन सभी पिक्सल्स का तुम डिफरेंस निकालोगे और उसका सम कर दोगे. ऑल राइट, सपोज दिस इज योर सेंट्रल पिक्सल, ओके, यहां तुम्हें वैल्यू निकालनी है. तो तुम पहले इस पिक्सल के लिए ये वैल्यू निकालोगे, फिर सम करोगे जो भी उसके फोरग्राउंड पिक्सल्स में होंगे विंडो में, सबके लिए सम करके ये नेट वैल्यू तुम निकालोगे. तो पहली वैल्यू क्या है तुम्हारी, इफ दिस इज योर सेंट्रल पिक्सल करेंटली फॉर द विंडो, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो दीज आर योर इंटेंसिटी वैल्यूज. ऑल राइट, अगर हम इस इमेज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस विंडो के अकॉर्डिंग 129 माइनस सॉरी 181 माइनस 129 प्लस, अगर ये सेंट्रल पिक्सल है तुम्हारा, इसी मतलब ये तुम्हारी पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग इट इज जीरो. फिर तुम यहां पर आते हो तो इस वैल्यू को लोगे, यानी 181 माइनस 141. फिर हम इस पिक्सल पर आते हैं, इट इज 191 माइनस 131. राइट, तो इस तरह से इन सब वैल्यूज का तुम इस विंडो में सम कर दोगे और जो भी तुम्हारा डिवाइड बाय 9 करके आंसर आएगा वो इस सेंट्रल पिक्सल की वैल्यू होगी. सिमिलरली तुम ये चीज वाई डायरेक्शन में करोगे, राइट. सिमिलरली यही चीज तुम वाई डायरेक्शन में करोगे, वाई प्लस वन और वाई के लिए. ऑल राइट, आई एम अगेन रिपीटिंग, एवरी ऑपरेशन विल बी अप्लाइड टू ऑल द फोरग्राउंड पिक्सल्स इन अ विंडो, और जो भी वैल्यू आएगी वो एक विंडो के सेंट्रल पिक्सल के लिए आएगी, ठीक है. इस समय हमारी जो विंडो के लिए सेंट्रल पिक्सल है वो ये स्क्वायर वाला है, लेकिन ऑपरेशन सारे ही चारों पिक्सल में लगेगा, ओके, और उन सब की वैल्यू को हम एवरेज लेंगे, ठीक है, और फिर उन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हमारे फीचर वेक्टर्स बनते चले जाएंगे. तो अभी तक हमारा फीचर वेक्टर कितने साइज का है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5 डायमेंशन का अभी तक हमारा फीचर बनता जा रहा है, ठीक है. एक पिक्सल का 5 डायमेंशन का फीचर बन गया हमारा, ठीक है. देन सेकंड है आपका शेनन्स एंट्रोपी, राइट. तो दिस इज द 6th फीचर वेक्टर. शेनन एंट्रोपी तुम्हें क्या बताती है, शेनन एंट्रोपी तुम्हें ये बताती है
प्रोबेबिलिटी ऑफ दी पिक्सल्स, फ्रीक्वेंसी काउंट देती है ये तुम्हें। कैसे देगी? एंट्रोपी का वैसे मैथमेटिकल मतलब होता है इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ओके, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो शेनन एंट्रोपी सेज दैट 1 माइनस समिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स इन अ विंडो। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये तुम्हारी एक विंडो है और इस विंडो में ये ग्रे स्केल की विंडो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब फोरग्राउंड पिक्सल्स थे तुम्हारे, ठीक है, और ये जीरो वाले बैकग्राउंड थे, क्लियर? तो ये तुमने उसका ग्रे मैप लिया। अब ग्रे मैप में सपोज ये तुम्हारा सेंट्रल पिक्सल है 192, तो तुम्हें इस पिक्सल के लिए शेनन्स एंट्रोपी निकालनी है। या लेट सी ये तुम्हारा सेंट्रल पिक्सल था और इस 42 के लिए तुम्हें शेनन एंट्रोपी निकालनी है, तो ये तुम्हारी 3x3 की विंडो है। दिस पिक्सल वाज 1, दिस वाज 1, दिस वाज 1, दिस वाज 1, दिस वाज 1 एंड दिस वाज 1, तो यू विल गोइंग टू कंसीडर ऑल द पिक्सल्स, ठीक। तो तुमने क्या करा, जितने भी सबसे पहले एनपी बनाया तुमने, एनपी हियर इज सेट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज इन द विंडो, तो व्हाट आर द डिफरेंट इंटेंसिटीज इन दिस विंडो? 192, 67, 42, 43 एंड दैट्स इट, ओके। ये सारी यूनिक इंटेंसिटीज हैं इस विंडो के अंदर, और इन सब के फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दैट इज काउंट। तो 92 कितने हैं? 2, 67 कितने हैं? 2, 42 कितने हैं? 2, 43 कितने हैं? 1। नाउ ये जो काउंट आया तुम्हारा, दिस इज योर Y1, Y2, Y3 एंड Y4, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा Y है, देखो ये Y है ऑल द यूनिक एलिमेंट्स इन योर, सो दिस इज योर यूनिक एलिमेंट्स, कितने थे? 4 थे, ठीक। तो इसलिए तुम्हारा वाई कैसा चल रहा है? 1 2 4, राइट। और 1 2 4 में अब हम क्या निकाल लेंगे? प्रोबेबिलिटी और लॉग बेस 2, दिस इज ln, log नहीं है ये, ln है, यानी लॉग बेस 2। तो लॉग बेस 2 निकालेंगे हम इस प्रोबेबिलिटी का, और इनका प्रोडक्ट करेंगे, और सभी वाई के लिए, Y1, Y2, Y3, Y4 के लिए इनका सम कर देंगे और ये फॉर्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे, उसके बाद फाइनल तुम्हारा जो आंसर आएगा वो इस सेंट्रल पिक्सल 42 के लिए आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकली? Y1 के लिए 2/4, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं हमारे? 4, राइट। और हर एक यूनिक इंटेंसिटी का काउंट कितना है? 2 2 2 1, राइट। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकल गई? 2/4, 2/4, 2/4 एंड 1/4 प्रोबेबिलिटीज निकल गई। ये फॉर्मूला लगा दिया, समिशन कर दिया, लाइक ये फॉर्मूला लगाया, सबका समिशन किया, यहां 1 से माइनस किया, रेसिप्रोकल किया, एंड यू हैव गॉट योर शेनन्स एंट्रोपी। तो ये 6 फीचर्स आप पिक्सल वाइज निकालोगे। सो आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ ऑल्सो, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ऑलराइट, सो ये तुम्हें पिक्सल वाइज निकालने हैं बाय मेकिंग अ विंडो फर्स्ट ऑफ 3x3 देन 5x5, ठीक है। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट टास्क। आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, सो ये काम करना है केवल पिक्सल वालों को, जिनका टाइटल है पिक्सल वाला, ओके। और जो कनेक्टेड कंपोनेंट का कर रहे हैं, वो कनेक्टेड कंपोनेंट के फीचर्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कनेक्टेड कंपोनेंट का काम हो चुका है, दैट इज व्हाई। ऑलराइट, और इसी से तुम्हारा प्रोजेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। बाद में हम क्लासिफायर लगाएंगे, क्लासिफायर तुम दोनों एक ही लगाओगे, ठीक है, क्लासिफायर तुम दोनों एक ही लगाओगे, तो तुम इतने सारे लोग हो जाएंगे काम करने के लिए, ओके। तो अभी मेन तुम्हारा फीचर निकालना है, एटलीस्ट दिस सेमेस्टर यू शुड, एटलीस्ट यू शुड हैव योर, ऑलराइट, आगे डीई का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव योर फीचर्स ऑल्सो, ओके। नाउ दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट अबाउट योर कैनवस एंड अदर थिंग, आई मीन व्हाट एल्स यू आर मैम, खरीद के लेके आते थे मीन्स मैम प्रिंटेड शीट्स मिल जाती थी, हम उसके अंदर डेटा फिल करते थे, पर इस बार हम लोग फिजिकली लेने नहीं जा पा रहे। तो ओके, चलो आई विल कंफर्म।